जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे आज के दैनिक पंचांग के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि होगी सुबह 7:57 तक। आज के दिन जो कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा स्मार्तों के लिए और कल के दिन वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। आज सूर्योदय सुबह 5:47 और सूर्यास्त शाम 5:51। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे दोपहर 3:10 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 12:54 पे। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि में। यह शरद ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग अति गंड योग दोपहर 3:22 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। करण गरकरण सुबह 7:57 तक, उसके बाद वनिष्करण। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11:55 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र। आज जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 11:55 से अगले दिन सुबह 6:11 तक होगा। आज रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:11 से लेकर के सुबह 11:55 तक रवि योग होगा। आज का विजय मुहूर्त समय दोपहर 2:13 से दोपहर 3:02 तक। आज का गोधूलि मुहूर्त समय जो कि शाम 6:15 से शाम 6:39 तक होगा। आज का निशिता काल मुहूर्त समय रात्रि 11:49 से रात्रि 12:37 तक होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4:14 से सुबह 5:01 तक होगा। दिशा शूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व और अग्नेय दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन है और आज एकादशी का व्रत भी किया जाएगा, तो आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो आज का राहु काल समय होगा सुबह 7:07 से सुबह 8:38 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 1:10 से दोपहर 2:40 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:15 से दोपहर 12:03 तक होगा। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़ियां 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 7:06 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:48 से सुबह 10:19 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:20 से दोपहर 2:50 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:50 से शाम 4:21 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:21 से शाम 5:51 तक।
तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:51 से शाम 7:21 तक, उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:20 से रात्रि 11:49 तक, उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:19 से रात्रि 2:48 तक, उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 2:48 से रात्रि 4:18 तक, उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:18 से अगले दिन सुबह 5:47 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2080 नल है और शक संवत 1945 शोभन। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।